नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपका YouTube चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं UPSC PFO एग्जाम 2021 जो 5 सितंबर को एग्ज़ाम हुआ था उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है और इसका जो कंप्लीट PDF है, जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसका कंप्लीट PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप के में मिल जाएगा। आप अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप वहाँ से जाके कंप्लीट PDF जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसका जो क्वेश्चन पूछा गया था और आप लोग को उसका PDF डाउनलोड करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है आज हम लोग वो जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं कि UPSC PFO 2021 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने से पहले हम लोग 2017 का जो कट ऑफ है वो जानेंगे, फिर 2018 का कट ऑफ जानेंगे। इससे आप लोगों को एक अंदाज़ा लग जाए कि 2021 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आप लोग को यहाँ से पता चले कि आपने कितने अटैम्प्ट किए और आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। और गाइज मैं आप लोग बता दूं कि यहाँ पर कितने परसेंट स्टूडेंट जो यहाँ अप्रोक्स 30-40% के आसपास जो है यहाँ पे इस एग्ज़ाम में अटेंड किए हैं स्टूडेंट हैं। अगर देखा जाए बहुत सारे के मैंने कमेंट देखा है तो बोले कि मेरे रूम में 24 लड़का का सीट था जिसमें से 3 या 4 ही बच्चे आए हैं। तो हर रूम का यही हालत था, जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं लगभग 30-40% से भी कम बच्चे शायद एग्ज़ाम दिए हैं। तो यहाँ पर कट ऑफ कम बनने की संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो मैं आप लोग बता दूँ UPSC PFO 2017 का जो कट ऑफ था वो वहाँ पे टोटल मार्क्स 100 का था और इस साल जो टोटल मार्क्स था वो 300 मार्क्स का था और 120 टोटल क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ मैं आप लोग बता दूँ कि यहाँ पे टोटल 100 मार्क्स का थोड़ा रिटर्न एग्ज़ाम था। तो जनरल के कट ऑफ की बात करें तो जनरल का कट ऑफ था 49.50 यानी 49.5 कट ऑफ था और इंटरव्यू जो था वो 2017 में वो भी 100 मार्क्स का था। तो इसका इंटरव्यू का जो था वो कट ऑफ 50 था। तो यहाँ फाइनल सिलेक्शन हुआ है जनरल वालों का 110.83 पे जो है जनरल वालों का फाइनल सिलेक्शन हुआ है UPSC EPFO 2017 में। और अगर हम कैटेगरी वाइज OBC की बात कर लें तो OBC का जो कट ऑफ बना है रिटर्न एग्ज़ाम का 44.5 बना है और इंटरव्यू का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका 45 बना है। और फाइनल सिलेक्शन अगर OBC वालों का है तो 103.78 जिसका नंबर आया है उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है OBC कैटेगरी वालों का। SC कैटेगरी वाली की बात कर ले तो 42.5 रिटर्न एग्ज़ाम का कट ऑफ था, 40 जो है आप लोग का वो आपका इंटरव्यू का कट ऑफ था और 102.23 जो है SC वालों का कट ऑफ बना है। ST की बात कर ले तो 43.5 बना है रिटर्न एग्ज़ाम का कट ऑफ और 40 बना है इंटरव्यू का कट ऑफ और 103.06 पे उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ SC वालों का। और PH की कट ऑफ की बात कर ले तो 30 रिटर्न एग्ज़ाम का बना है और यहाँ पे आप लोग का फाइनल सिलेक्शन जो PH हुआ था OH कैटेगरी वालों के लिए वो 88.11 पे हुआ है। और अगर हम PH में HI की बात कर ले तो यहाँ पे 30 पे उसका रिटर्न एग्ज़ाम का कट ऑफ बना है और 93.61 पे उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो इसके थ्रू आप लोग को अंदाज़ा लगेगा कि 2021 में कितना कट ऑफ जाने वाला है। तो हम लोग आप बात कर लेते हैं यहाँ से आप लोग को 2018 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, 2018 का जो कट ऑफ था क्या था। तो यहाँ हम देख ले कि जो 2018 को था वो कट ऑफ जो था वहाँ पे टोटल जो रिटर्न एग्ज़ाम था वहाँ 300 मार्क्स का था और इंटरव्यू जो था वो 100 ही मार्क्स का था, जो पहले था वो अभी भी है। तो जो रिटर्न एग्ज़ाम का जनरल वालों का कट ऑफ गया है 160 और यानी अप्रोक्स आपका 55% के आसपास गया है और जो इंटरव्यू का कट ऑफ है वो 50 गया है और फाइनल सिलेक्शन जो था जनरल वालों का 237.50 पे हुआ है। OBC का जो रिटर्न एग्ज़ाम का कट ऑफ गया है 142 और इंटरव्यू का कट ऑफ गया है 45 और फाइनल सिलेक्शन हुआ है 279.72 पे। SC की बात कर लेते हैं तो SC का जो कट ऑफ गया है वो 128.50 गया है रिटर्न एग्ज़ाम का, 40 गया है इंटरव्यू का और 194.25 गया है फाइनल सिलेक्शन वालों का जिसका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। ST की बात कर लें तो ST का जो कट ऑफ बना है वो रिटर्न एग्ज़ाम का 133 बना है, इंटरव्यू का जो कट ऑफ बना है 40 और फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे ST वालों का 228.58 पे गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ST का कट ऑफ है वो SC के मुकाबले ज़्यादा है। तो हम लोग बात करते हैं 2021 का कट ऑफ क्या जा सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2021 का क्या जा सकता है। तो 2021 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आप लोग UPSC PFO का जनरल वालों का जा सकता है 165-175 जा सकता है, इंटरव्यू की कट ऑफ की बात कर ले तो 50 जा सकता है और फाइनल सिलेक्शन अगर हम बात करें जनरल वालों का तो 240 जा सकता है। OBC का जो रिटर्न एग्जाम का कट ऑफ है 150-160 के बीच है और इंटरव्यू की बात करें इंटरव्यू का कट ऑफ जान ले तो 45 है और फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे 225 पे हो सकता है।
ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जो है वो जनरल से कट कम जाएगा, और ओबीसी से भी यहाँ देख सकते हैं कम जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस की इंटरव्यू का कट ऑफ जाए देख लें तो यहाँ 45 हो सकता है, यहाँ फाइनल सिलेक्शन 210 पे हो सकता है। और एससी कैटेगरी वालों की बात कर लें तो एससी कैटेगरी का जो है वो रिटन एग्जाम का कट ऑफ 130 से 40 जा सकता है, और यहाँ इंटरव्यू वालों का कट ऑफ जा सकता है 40, और फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे एससी वालों का 200 मार्क्स पे हो सकता है। और अगर हम एसटी वालों की बात करें, एसटी कैटेगरी वालों की, तो एसटी कैटेगरी वालों का जो कट ऑफ 120 से 30 जा सकता है, और इंटरव्यू का कट ऑफ 40 जा सकता है। और अगर एसटी वालों की बात कर लें तो फाइनल सिलेक्शन 204 जा सकता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं पिछला जो 2018 जो कट ऑफ बना था वहाँ एसटी का जो कट ऑफ है वो एससी के मुकाबले ज़्यादा बना था, तो इस साल भी शायद एसटी का कट ऑफ जो है वो एससी के मुकाबले ज़्यादा बने। तो गाइस आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके किसी फ्रेंड ने यूपीएससी पीएफओ का एग्ज़ाम दिया है तो आप ये वीडियो उसे शेयर कर सकते हैं, उसे भी पता चल सके कि उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं।